आज हम यूज करने वाले हैं फ्लोटिंग पैन अब मैंने अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरी एक मंगाऊंगी अमन गुप्ता की 700 करोड़ की बोट मछली जल की रानी है? है। जीवन उसका पानी है, दोड़ा, दोड़ा, है दिल मेरा दोड़ा। Hey cuties, this is आप लोगों को यू गाइज डों दिस तो मैं वापस से शूट कर रही हूँ आज और अब आप तो देख ही रहे हो ना कितनी अमेजिंग अभी कहाँ से देख रहे हो अभी तो देखोगे मारे कितनी अमेजिंग वीडियो थी और मैं इतना हाफ रही हूँ क्योंकि मैं प्लांट से इधर उधर इधर उधर कर रही थी तो गॉड इतना भारी प्लांट था दो मिनट मुझे सांस लेने दो हो oh गॉड हो गया सो आई एम बैक और आज हम यूज करने वाले हैं फ्लोटिंग पेन्स मैंने ना यूज दिन भी ट्राई किया था तो मुझसे उस दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना था और अच्छा हुआ ना वाला वीडियो नहीं बिकॉज मैं आज मैं आज मास्टर कर दूंगी तो चलो देखते हैं इससे क्या क्या अमेजिंग चीजें बनाते हैं और फ्लोट करने से सबसे पहले हमारे दिमाग में बोट और फिश आती है तो वो तो हम बनाएंगे बट हम और भी बहुत अमेजिंग चीजें बनाएंगे बोल तो रही हूँ देखती हूँ अमेजिंग बनती है कि नहीं तो चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसको यूज करना शुरू करते हैं मेरा कॉन्फिडेंस इसके साथ बहुत अच्छा नहीं है, है, उस दिन मैंने चीजें बनाई थी, थी। उसमें से सिर्फ दो अच्छी बनी थी। तो देखते हैं आज क्या होता <laughs> सीरियल की बैकग्राउंड म्यूजिक होती ना, धूम <laughs> <तीमें तीमें तीमें। laughs> मिल रही है आप लोग को छोटी <laughs> बोल और स्पैचुला दो। <laughs> और स्पैचुला बड़ा होने के काफी डिसएडवांटेजेस हैं जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें एक्सपीरियंस कर लिया था बट मैं फिर भी सोच रही हूँ बिकॉज ये व्हाइट कलर का है और वीडियो में काफी अमेजिंग इसमें ड्रॉइंग दिखेगी तो मैं वापस से यही यूज करूंगी तो लेट्स सी फ्लोटिंग पेन फ्लोट करती है या फिर फ्लॉप होती है आ जाओ आज फटाफट से भाग के आ जाओ क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा टैलेंट दिखाने वाले हैं तो मैंने ले लिया रेड पेन जो की थोड़ी सी पीच कलर की है और अब मैंने अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया वो भी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश कैलीग्राफी में बट वो मैटर नहीं करता मैटर ये करता है की ये सक्सेसफुली पानी में तैर जाए और मुझे लग नहीं रहा है इसके लक्षण देख के कि ये कर... देखो हो गया ना हो गया सत्यानाश भाई मेरा नाम मिट्टी में नहीं मिट्टी में नहीं यार पानी में डुबा दिया मेरा नाम एकदम देखो हो गया ना शुभारंभ मुझे पता था बट मैं भी तो बेकूफ हूँ यार नाम कौन लिखता है नाम से कौन स्टार्ट करता है और ये अदिति का सिर्फ इति रह गया है <laughs> चलो नेक्स्ट अब कुछ सॉलिड चीज बनाएंगे जैसे की बोट अरे कहाँ चले गए भाई जल्दी वापस भाग क्या हो क्योंकि हम बना रहे हैं अमन गुप्ता की सात सौ करोड़ की बोट दीदी ऐसी होती है सात सौ करोड़ की बोट अभी तुम शाक में जाती ना तो अमन गुप्ता ऐसा ट्रोल करता तुम्हें छोटी तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही टीवी देखने लगी चुप रहो भाई एक काम करती हूँ इसको साथ में टाइटैनिक वाला लुक भी दे देती हूँ और बहुत सारी लहरें बना देती हूँ बिकॉज मेरा नाम तो डूब गया बट मैं अपनी टाइटैनिक को नहीं डूबने दूंगी कोशिश पूरी जारी है और इसके लक्षण भी ना मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं बट मैं इसको निकाल के रहूंगी तो हाथ से मैं थोड़ा पुश कर देती हूँ हमारी नाव तो तैर गई थैंक गॉड भाई ये बहुत मेहनत वाला काम है लगता है वो पता स्पून से निकलता ही नहीं है हम्म मुझे कभी कभी लगता है शायद मेरे से ही नहीं निकलता क्योंकि मैंने दो चार वीडियोस देखी है वो तो जुई से डालते हैं और बस तुरंत ही वो पानी में चला जाता है भाई मेरे से क्या ग्रज है तुम्हें क्या क्या दिक्कत है तुम्हें दिक्कत है तो चलो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे मछली जल की रानी है, है। जीवन, तो अब मैंने ये तीन कलर्स यूज कर लिए तो अब मैं ये नहीं यूज करने वाली मैं कुछ पिंक कलर की क्यूट से फिश बनाऊंगी मैं ऐसा सोच रही हूं, क्यूट बनाऊंगी तो में बनाते बनाते हाथ जो काबता है ना तब पता चलता है कितनी क्यूट बन रही है तो मैंने ठान के रखा है कि सिर्फ एक कलर यूज करके पूरी ड्राइंग नहीं करूंगी एटलीस्ट दो या तीन कलर तो यूज करूंगी ही करूंगी और इस फिश में मैं यूज करूंगी ठीक है यार दो तीन यूज कर लेंगे क्या करना है दीदी वैसे तो मैं तुमसे थी बट तुम पिंक कलर की फिश बना रही हो तो हम लोग मिट्टी हो सकते हैं एक बार और सोच लो छोटी पक्का मैं तो तो बस ही हो जाती हूं। ठीक है तो मैंने ऑलरेडी दो कलर यूज कर लिए है तीसरे से मैं लाइंस बनाने वाली हूँ आंखें तो भी तो बनानी है एंड मीन वाइल मैंने इसका नाम भी रख दिया डोलू तो यार डोलू प्लीज मेरा ना नाम डूब चुका है अब प्लीज मेरी नाक मत कटवाना तुम चुप चाप पैर जाओ और ये देखो इनका मुंह हो चुका है डिश शेप और इनके फिन्स फिंस सब डिश शेप हो चुके हैं चलो अपनी हाथ वाली टेक्निक यूज करते हैं और इनको स्विमिंग पूल में उतारते हैं यार मुझे तो विंग्स नहीं बना है भाई ये कौन सा जानवर बना दिया मैंने बिना मुंह वाला और आधा कटा हुआ हाँ यार सबका तो आराम से निकल जा रहा है मेरे से क्या दिक्कत है इसको मैं सोच रही हूँ की मैं दूसरी एक मंगाऊंगी दूसरी कंपनी की तो शायद वो काम करे सोच तो बहुत रही हूँ बट ऐसा कुछ होना नहीं है मेरे साथ बताओ तो यार इतनी प्यारी फिश बनाई थी फ्लॉप हो गई नेक्स्ट क्या बनाओ वैसे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं यार इतना अच्छा अच्छा बना रही हूँ तब भी तो फ्लॉप हो रहा है ये फ्लोटिंग पेन नहीं ये फ्लॉप पेन है तो so, नेक्स्ट मैं बनाऊंगी फ्लावर। प्लीज कृपा बना के रखना एक इत तो इतना सारा पानी लेके मैं घूम रही हूँ इधर उधर और पता चला अभी लेके पानी भी और ये बॉल भी तोड़ दूंगी और सब कर दूंगी मैं बहुत ही ज्यादा क्लमजी हूँ गिरती रहती है ठीक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए मैं एकदम दबी दबी आवाज में भी आप लोग से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा फोकस बॉल में है कि मैं गिरा ना दू तो मैंने ले लिया रेड पेन और बहुत बड़ी सी बिंदी बना रही हूँ क्योंकि लाल बिंदी में तो कितनी सोरी लग गई ना तो हमारा फूल भी बहुत सोना लगने वाला है और इसी बात में चलो बहुत सोना सोना हो गया अब थोड़ा थोड़ा इसको डेकोरेट भी कर लिया जाए तो मैं इनके आंख मुंह नाक बना देती हूँ फटाफट और थोड़े से पेटल में शेड्स दे देती हूँ दीदी लाइन कहते हैं मालूम है हाँ, हाँ, मालू तेरे बाप को मत सिखा <laughs> जो जाओ यार चलो इसको भी स्विमिंग पूल में उतारा है भाई इतना छोटा स्विमिंग पूल होगा तो कोई डूब के मरना भी चाहे तो नहीं मत ए यार दीदी ऐसी बात मत करो अभी तुम्हारा नाम डूब के मरा है इसलिए मैं अपने हाथ यूज करके इसको बड़े ही आराम से निकाल लूंगी अमूल माचो चलो कैसे कैसे फूल निकाल गया और वो फूल कम वो टेलीटबीज़ में जो सन रहता ना वैसा ज्यादा लग रहा है हाय थोड़ा सा रिलैक्स हूँ मैं थोड़ा सा सैटिस्फाइड हूँ और थोड़ी सी उम्मीद आ रही की चलो और बना सकते हैं बना सकते हैं तो तीन चीजें तो हमने बना ली नेक्स्ट में क्या बनाऊँ आइडिया चलो नेक्स्ट हम बनाते हैं बटरफ्लाई अरे यार मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूली भूलियू मैं कुछ भी रेगुलर नहीं बनाने वाली मैं इसको भी कुछ ना कुछ अतरंगी करूंगी और इसको दो फेदर नहीं मैं फोर फेदर्स वाली बनाऊंगी अरे छोटी फाइनली हमने पर्पल कलर यूज कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया दीदी चलो चलो मेरी बेटी आर्मी जल्दी से कॉमेंट में आ जाओ और अपना अटेंडेंस तो लगवाते जाओ और मैं चाहती हूँ की मेरा कॉमेंट सेक्शन एकदम पर्पल हार्ट से भर जाए भाई साहब इतनी बातें कर लिया आप लोगों से तब भी ये बटरफ्लाई के विंग्स ही नहीं कम्प्लीट हुए मतलब मैं फिल करती जा रही हूँ क्या यार एक काम करती तुम्हारा नाम रख देती तुम से बटरू नहीं मटरू देखो मटरू मैंने तुम्हारे पे बहुत मेहनत की है इसलिए मुझे अच्छा चाहिए चुपचाप yes, अरे मटरू मेरी जान आ जाग हो तुम्हारा तुमने तो एकदम से मटरू की बिजली का मनडोला अरे नहीं यार अदिति गलती मेरी है यार मतलब मैं उड़ने वाले इंसान को कैसे तैरा सकती हूँ ये है बटरफ्लाई जिसका एक पंख मुझसे टूट गया बट यार उसकी खूबसूरती ही तो उसका पंख होता है जो मैंने तोड़ दिया तो चलो फटाफट से मार्क्स दे देते हैं तो सबसे पहले मैंने नाम लिखा था अपना तो उसको तो मैं जीरो आउट ऑफ टेन दूंगी <laughs> फिर बोट बोट को हम दे सकते हैं एट आउट ऑफ टेन नॉट बैड और फिश फिश को मैं दे सकती थी फाइव आउट ऑफ टेन बट बिकॉज उसका मुंह भी छोटा हो गया और उसकी बॉडी भी टूट गई तो इसलिए आई विल गिव फोर आउट ऑफ टेन और उसके बाद फ्लार नॉट बैड फ्लार को मैं अगेन एट नो एक्चुअली मैं इसको दूंगी एट पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन और बटरफ्लाई बटरफ्लाई को मैं दूंगी बिकॉज इसका सिर्फ एक पंख टूटा है तो आई विल गिव सिक्स आउट ऑफ टेन सो कोई भी बहुत ज्यादा मैं परफेक्शन के ओर नहीं थी किसी को भी नाइन नहीं मिला किसी को भी टेन नहीं मिला और मुझे पता था ये होना है बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था नहीं मेरे से नहीं हो रहा है यार मैं और प्रैक्टिस करूंगी मैं इसमें परफेक्ट बन जाऊंगी तो मैं एक और वीडियो लाऊंगी तो रही हूँ देखती हूँ कब तक होता है एक साल लग जाएगा मुझे <laughs> <laughs> मुझे लगता है और ट्राई करना बेवकूफी

जब तक मैं इसमें प्रो नहीं हो जाती एक काम करती हूँ इनको ना पेपर में निकाल के देखती हूँ तो ये थिन कार्डबोर्ड शीट चलो इसमें ट्राई करते हो और आप लोग पूछते हो थिन कार्डबोर्ड शीट कहाँ से खरीदते हो अरे यार ये खरीदा थोड़ी नहीं जाता है, ये तो जब नए कपड़े खरीदो तो कपड़ों के बीच में रहते हैं ना ये वो है यार इन सब चीजों में पैसे मत वेस्ट क्या करो आज तुम बाहर आ जाओ क्योंकि तुम्हारे रिस्पॉन्स एकदम दर्दनाक थे तो तुम बाहर आ जाओ प्लीज और तुम टेंशन मत लो तुम अकेली बाहर नहीं आ रही मैं एक एक करके सबको लेके आऊंगी हाँ मटरू जी आप भी आ जाइए आपने भी बहुत कमाल नहीं किया है दीदी तो अच्छा किया छोटी बट स्विमिंग पूल टाइम इज ओवर ना तो सबको बाहर आना पड़ेगा टाइटेनिक जी आपने भी एक सेल कंप्लीट कर ली है तो प्लीज कृपया करके आप बाहर आ जाइए मुझे पता है आपका आने का मन नहीं हो रहा है आप बहुत नाटक कर रही है बट आपको आना ही पड़ेगा हाँ यहीं पर नाचिए प्लीज साइड में सात सौ करोड़ की वैल्यूएशन भाव तो खाएगी जब तक ठीक से स्पॉइल ना कर दू मुझे चैन नहीं मिलता है अब मुझे बहुत चैन मिल गया है <laughs> तो फटाख से आप भी देख लो चलो ठीक है भाई ठीक है बहुत बेजती करा ली अपनी आज के लिए इतना काफी था और अगर काफी नहीं लग रहा है तो और बेजती मैं नहीं कराना चाहती हूँ <laughs> तो अगर ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ बनाऊंगी बट ठीक है चलो यार जितना बनाया वो भी कैसे तैसे बनाया मुझे नहीं पता कैसे तैसे बनाया बट हाँ ठीक है बन गया सेटिस्फाइड हूँ थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ इस वीडियो के साथ वरना पिछली बार जो रिकॉर्ड किया था उसके साथ तो मैं मतलब लग रहा था क्यों क्यों ही बनाया मैंने एक तो क्रिएशन भी एकदम जीरो थी फ्लॉप और वीडियो एग्जीक्यूट इतनी गंदी हो गई थी मतलब पूरा शेडो भरा था मैंने कहा ना nah, भाई दिस वीडियो इज अ फ्लॉप तो इस वजह से मैंने आज दोबारा रिकॉर्ड किया और क्रिएशन भी ठीक ठाक हो गई चलो फटाफट से कॉमेंट में जल्दी से बता दो कि आपको इन चारों में से क्या अच्छा लगा और चलो आप भी आउट ऑफ टेन रेटिंग दे दो कि आप बटरफ्लाई को क्या रेट देना चाहोगे बोट को क्या देना चाहोगे फ्लार को क्या देना चाहोगे